बोलना शुरू करें, बोलिए। देखो, जीएसटी को लेकर काफी कंफ्यूजन है, काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जीएसटी है क्या। जीएसटी के बारे में हम एक एक चीज को आपको बहुत ही सिंपल यानी सरल लैंग्वेज में बता रहे हैं। ध्यान से अगर सुनेंगे, समझेंगे बातों को, तो जीएसटी का जो डर या जो बात आप जानना चाहते हैं वो सब अभी का अभी खत्म हो जाएगा। जीएसटी समझने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दो तरह के टैक्स होते हैं, दो तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने अभी क्या बोला आपको, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसके अंदर सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सारे एक्साइज ड्यूटी, ये जो सारे कुछ आते हैं, गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, जो गुड्स के ऊपर एंड सर्विस के ऊपर चार्ज होते थे, जिसको भेट भी बोलते हैं, ये जो गुड्स के ऊपर चार्ज होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे टैक्स जो थे, अभी मैंने क्या क्या बताया आपको, बहुत सारे टैक्स में, जैसे सेल टैक्स स्टेट में, भेट, अदर स्टेट में अगर हम लोग सामान बेचते थे उस समय जीएसटी के पहले, तो सेल टैक्स चार्ज किया जाता था। मान लीजिए आपका एक दुकान है कलकत्ता में, बढ़िया से बातों को समझेंगे, कलकत्ता में एक दुकान है, अगर विद इन स्टेट, अगर वेस्ट बंगाल में खाली अगर आप सामान बेचते हो, तो कस्टमर से जो आप टैक्स लेते हो उसको वैल्यू एडेड टैक्स बोला जाता था। लेकिन आपका अगर दुकान कलकत्ता में है, तो बाहर से भी तो लोग आएंगे सामान लेने के लिए, तो जो अदर स्टेट से सामान लेने के लिए आते थे, उससे जो आप टैक्स लेते हो उसको हम सेल टैक्स बोलते थे। फिर सर्विस टैक्स भी था। ये जो सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, इसको मर्ज करके इकट्ठा एक टैक्स बनाया गया, जिसको क्या बोला गया, जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड। बात आ गया समझ में? यही बात यहां पर लिखा गया है कि जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पर भी हम लोग लेवी करेंगे, मतलब लेंगे एट द प्रिस्क्राइब रेट। फिर रेट बना दिया गया जीएसटी का, किस गुड्स के ऊपर कितना परसेंट हम लोग जीएसटी लेंगे, वो चीज हम यहां नहीं बता रहे, क्योंकि आपको मेन ये समझना है कि जीएसटी एक्चुअल में चार्ज कैसे करता है। जब आप कहीं पर भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मान लीजिए आपने पिज्जा खाने के लिए गया, तो आपका जो बिल रहता है, बिल को आप जरूर देखते हैं, बिल में आप देखते हैं पिज्जा का दाम तो रहता ही रहता है, प्लस किया रहता है CGST, SGST, वहां देखेंगे दो बार प्लस किया रहता है, एक बार रहता है CGST और एक बार SGST। तो हम लोग ये बात को नहीं समझ पाते हैं कि दो बार टैक्स क्यों ले लिया, दो बार टैक्स क्यों लिया, और एकदम से देखेंगे इक्वल अमाउंट में रहता है। जैसे अगर 5% है तो 2.5 CGST और SGST भी 2.5 है ना। मान लीजिए अगर 12% है तो 6% CGST और 6% SGST क्यों ले रहा है। तो अभी यहां पर हम लोग उसी को आपको बताएंगे। अभी तो ये बात क्लियर हो गया कि जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी थे ऑलमोस्ट उसको हटा दिया गया और उसके लिए एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया गया। लेकिन इसमें दो चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया है। सारे गुड्स आ गए, दो चीज नहीं आए, एक पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पेट्रोलियम में जो डीजल पेट्रोल जो अभी डिमांड हो रहा है कि डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी के अंदर लाने से उसका दाम शायद हाफ हो जाएगा, 45-50 रुपया लीटर मिलने लगेगा। तो इस तरह से उसको यहां पर लाने का कोशिश किया जा रहा है, किसके ऊपर, जीएसटी, क्योंकि अभी ये क्या है, एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है, तो इसको इंक्लूड करने का बातचीत चल रहा है। तो जीएसटी क्लियर हो गया कि जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, उसमें से ऑलमोस्ट को हटा के एक टैक्स बनाया गया, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है, जीएसटी। अब ये कॉन्सेप्ट को अब समझो, व्हाट इज CGST, SGST एंड UTGST। देखिए जीएसटी सभी में है,
खाली यहां सी है, एस है और यूटी है। देखेंगे सी का मतलब हुआ सेंट्रल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो वही वाला है स्टेट, और जानते हैं कि इंडिया के अंदर जितने स्टेट हैं वो तो है ही, स्टेट के साथ और भी क्या है यूनियन, तो वो भी है, तो वहां पर इसीलिए उसके लिए यूटी वर्ड यूज हुआ। देखो जब हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं विद इन स्टेट, ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, यूटी अभी छोड़िए, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो लगता है जब आप सामान कुछ खरीदते हैं, आप बिग बाजार भी जाते हैं तो अगर सामान खरीदते हैं तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी रहता है, खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में वहां पर भी आप देखते हैं, तो बातों को पहले क्लियर कर लीजिए कि वो अगर है क्या। हम लोग को बहुत बार ये लगता है दो बार क्यों ले लिया टैक्स, दो बार क्योंकि वो दो बार दिखता है तो हम लोग कंफ्यूज होते आते हैं दो बार क्यों दिखता है। देखो सीजीएसटी सेंट्रल एंड एसजीएसटी स्टेट, जो भी रेट रहेगा जिस भी गुड्स में, अगर मान लीजिए आपका कलकत्ता में दुकान है, मैंने अभी तुरंत बताया, और विद इन स्टेट लेवी किया जाता है ऑन इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, इंटर नहीं है ये, इंट्रा, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट। अगर आप वेस्ट बंगाल के अंदर के ही किसी को सामान बेचते हो, यहां पर आप एक बिजनेसमैन है, आपका कलकत्ता में दुकान है, और मान लीजिए वेस्ट बंगाल से ही कोई बिजनेसमैन आपके पास आया और सामान लिया, मान लीजिए 1,00,000 रुपए का सामान लिया, समझने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं तो और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर मान लीजिए 1,00,000 रुपए का सामान लिया और इसके ऊपर मान लीजिए 10% जीएसटी है, तो 10% अगर जीएसटी इस गुड्स के ऊपर है तो 1,00,000 का 10% 10,000 हमको उससे क्या करना है टैक्स लेना है, यानी गुड्स का दाम होगा, आप लोग तो पढ़े हैं अभी तुरंत सेल्स डे बुक परचेज डे बुक, गुड्स का दाम होगा और गुड्स के दाम के साथ हम लोग प्लस करते हैं टैक्स 10% 10,000। लेकिन अगर जिसको आप सामान बेच रहे हो अगर वो विद इन स्टेट है, उसी स्टेट के लोग हैं, तो जो 10% है उसको हम लोग लिखा हुआ देखेंगे एट हाफ द प्रिस्क्राइब रेट से दो बार अलग अलग लेते हैं, और जो टैक्स आपने कलेक्शन किया, जैसे यहां पर आपने प्लस किया 5% सीजीएसटी 5,000 और फिर 5% आपने क्या किया एसजीएसटी 5,000, उस बंदे से टैक्स लिया गया 10,000 ही, क्योंकि 10% उसमें टैक्स लेना था, बट आप बिजनेसमैन हैं, आपने क्या किया उसको दो भागों में बांट दिया, एक टैक्स हो गया सेंट्रल के लिए और एक हो गया स्टेट के लिए, यानी आपको जो 10,000 कलेक्ट किए उसमें से 5,000 रुपया आप सेंट्रल में जमा करेंगे सीजीएसटी में और एक एसजीएसटी में, यानी दो रिकॉर्ड आपको रखना पड़ा, एक सीजीएसटी के लिए और एक, बात क्लियर हुआ, यानी अगर विद इन स्टेट कोई आपके पास सामान लेने आता है तब हम जो भी उसमें टैक्स रेट है उसको हाफ द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ जीएसटी में अलग अलग बांटते हैं। अब आइए आईजीएसटी, एक चीज आ गई आपका आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेम बात, अगर आपके दुकान आपका शॉप कलकत्ता में है और आपके पास मान लीजिए अदर स्टेट से कोई सामान लेने के लिए आया, 1,00,000 का ही सामान लिया, बट वो इंट्रा स्टेट नहीं है, विद इन स्टेट नहीं है, आउटसाइड स्टेट से आया है, तब हम उससे 10% ही लेंगे, वापस मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, क्लियर होगा बात, और अगर मान लीजिए 10% ही है तो हम 10% लेंगे, बट हम क्या लिखेंगे आईजी और 10,000 वो पे करेगा, ठीक है। तो आप क्या देखें कितना आसान बात है, ये बात अलग है कि बिजनेसमैन को अगर हम लोग बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है कि जीएसटी हार्ड है, इसलिए कर रहा है वो क्योंकि उसको 3 अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ रहा है, एक सीजीएसटी का, एक एसजीएसटी का और एक आईजीएसटी का, समझ में आया। तो क्या हुआ,
पहले भी तो वो अकाउंट मेंटेन करता था, तीन नहीं करता था, वो कितने करते थे, दो करता था कम से कम, एक करता था वो अगर स्टेट में है तो वैट, और अगर इंटर स्टेट माल बेचता था तो वैट नहीं लेता था, सेल टैक्स लेता था, तो पहले भी तो वो दो मेंटेन करता था, इसके साथ साथ उसको सर्विस टैक्स का भी मेंटेन करना पड़ता था, तो नो डाउट पहले भी प्रॉब्लम था, अभी भी प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट हो गया जिसको धीरे धीरे सॉर्ट आउट किया जा रहा है, जैसे अब आपका भी बात क्लियर हो गया कि सीजीएसटी किसको बोलते हैं, एसजीएसटी किसको बोलते हैं और आईजीएसटी किसको बोलते हैं। अब हो गया इनपुट और आउटपुट। अब हम लोग को क्या परेशान करता है, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो पहला ये बात क्लियर हुआ ना, अब आपको ये बात पता चल गया कि जीएसटी किसको बोलते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको ऑलमोस्ट हटा के एक सिंगल टैक्स किया गया। अब उसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी क्या है, ये भी बात समझ में आ गया। अब देखिए कितना क्लियर हो गया। अब जब आप जाएंगे पिज्जा खाने के लिए और वहां पर अगर आप 2.5 करके लेता है, 5% है उसके ऊपर, तो देखेंगे 2.5 और 2.5 अगर दो बार लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ गया कि एक स्टेट में जाएगा और एक सेंट्रल में जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी देख के आपको गुस्सा नहीं आएगा, नहीं आपको कंफ्यूजन होगा कि ये है क्या, और आईजीएसटी क्यों कब लिखते हैं, ये भी बात आपको पता चल गया कि जब आप इंटर स्टेट सामान बेचोगे तो यहां पर हमेशा याद रखना जी, कंज्यूमर तो बाद में, कंज्यूमर कोई भी है कुछ भी कंज्यूम करता है उसके ऊपर टैक्स देता है, वहां काम खत्म हो जाता है। बट बिजनेसमैन के लिए ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन अगर टैक्स देता है, मान लीजिए आप सामान लेकर जा रहे हैं तो आपने कितना टैक्स दिया, 10,000। अब इसको मान लीजिए अगर आप इस सामान को अगर आप 1.5 लाख में बेचते हैं और उसके ऊपर फिर 10% आप टैक्स लेते हैं तो 1.5 लाख का 10% 15,000 हुआ। बट 15,000 आपने टैक्स लिया बट पहले से 10,000 टैक्स आपने दिया था, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वही 5,000 रुपया हमको जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो बिजनेसमैन के पॉकेट से कुछ गया नहीं, गया ना, सेटअप हो गया। क्या हो गया, सेटअप। इसी को इनपुट और आउटपुट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अब उसके बारे में समझिए।